good morning students welcome to our channel p smart education point so today in this class we are going to start lesson number 4 do you want to play football part 1 as the part 1 is here which means part 2 is your next lesson so here in this lesson there is a story related to the sports game football so let's get started So, the very first word is Monica, which means in this lesson we are going to talk about a girl named Monica. Monica dreams of being in a football team, but when she suggests it to the games teacher, she is stunned to hear that it's not really a game for girls. But Monica is not a person who gives up easily. So, as Monica dreams of being in a football team, मोनिका सपने देख रही थी कि वो फुटबॉल टीम में है बट अगर जब वो इस बारे में अपनी गेम्स टीचर को बताती है शी इज़ स्टंड वो हैरान रह जाती है शॉक हो जाती है ये सुन के कि ये गेम गर्ल्स के लिए नहीं है बट मोनिका एक ऐसी पर्सन नहीं है कि वो जल्दी ही हार मान जाए अब वैसा क्या हुआ लेसन में कि उसने हार नहीं मानी सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग सेक्शन वन फुटबॉल मोनिका मर्म हर बिग ब्राउन आइज शोन एज शी गेस्ट इन टू द डिस्टेंस निबलिंग एट हर थम एज दाव इट वर फेवरेट चॉकलेट पार मोनिका मर्मर कर रही है अपने मुंह में ही कुछ बुद्ध बुला रही है फुटबॉल विच मीन्स उसके माइंड में फुटबॉल के बारे में कुछ चल रहा है हर बिग ब्राउन आइज शोन उसकी जो बड़ी भूरी आंखें हैं वो चमक रही हैं एज शी गेज इन टू द डिस्टेंस वो बहुत ही दूर कहीं देख रही है निबलिंग एट हर थम और अपने मुँह में अपने अंगूठे को वो दबा रही है सच एज कि उसकी फेवरेट चॉकलेट बार हो जैसे उसके मुँह में फुटबॉल निधि हर बेस्ट फ्रेंड लुकड पजल्ड निधि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो बहुत ही पजल नज़र आ रही थी उसके मुँह से फुटबॉल सुन के वाई कॉन्ट वी हैव अ फुटबॉल टीम मोनिका सेट ड्रीमली मोनिका ड्रीम ली सपनों में देखती हुई कह रही है कि हमारे पास अपनी फुटबॉल टीम क्यों नहीं हो सकती अ फुटबॉल टीम यू आर मैड निधि वॉज अबाउट टू से निधि कहने ही वाली थी कि तुम तो पागल हो बट शी स्टॉप्ड बिकॉज शी न्यू इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम नो वन कुड स्टॉप मोनिका वेन शी गॉट समथिंग इन टू हर हैड शी वुड गो ऑन एंड ऑन टिल एवरी वन वॉज फोर्स टू गिव इन सो एज़ नो वन गुड स्टॉक मॉनिका बिकॉज जब उसके माइंड में कुछ आ जाता था तो उसको कोई नहीं रोक पाता शी वुड गो एंड ओ एंड ऑन एवरी वन वॉज़ फोर्स टू गिव इन हर कोई हार मान लेता था बट वो थी कि हमेशा चलती ही रहती थी एंड वेन शी रियली था अबाउट इट निधि टू रियलाइज दैट देर वॉज नथिंग क्रेजी अबाउट द आइडिया बट जब निधि ने भी इसके बारे में सोचा तो निधि को भी लगा कि इसमें कुछ भी पागलपन नहीं है हमारी भी फुटबॉल टीम हो सकती है बिकॉज वाई शुडेंट दे हैव अ फुटबॉल टीम निधि सोच रही थी हमारी फुटबॉल टीम क्यों नहीं हो सकती वी कुडेंट वाई कुडेंट गर्ल्स प्ले फुटबॉल लड़कियां गर्ल्स जो हैं वो फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकती बट बिफोर निधि कुड शेयर हर ओपिनियन मोनिका हैड ऑलरेडी अप बट अभी निधि सोच ही रही थी कि वो मोनिका को अपनी ओपिनियन बताए सडनली मोनिका हैड ऑलरेडी जम अप यू कैन सी हेयर कि वो दोनों पार्क में बैठी हैं स्कूल के ग्राउंड में और एकदम से मोनिका बात करती हुई जमड अप उठी और चली गई आई एम गोइंग टू आस्क मिस सेन अबाउट इट शी क्राइड। क्राइड हेयर मीन्स कि वो चिल्ला के बोली कि मैं जा रही हूँ मिस सेन से पूछने नाउ द थर्ड कैरेक्टर हेयर इज मिस सेन उनकी गेम्स टीचर हैं ओके नेक्स्ट इज वेट निधि सेट लेट्स डिस्कस इट बट मोनिका वॉज ऑलरेडी रेसिंग अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द गेम्स टीचर निधि अभी उसको बोल ही रही थी कि वेट रुको हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में बट मॉनिका ऑलरेडी फील्ड्स को पार्क को क्रॉस करके अपनी गेम्स टीचर के पास पहुंच गई क्रेजी निधि शूक हेड एंड देन फॉलोड एज फास्ट एज शी कड दिस वॉज वन कन्वर्जेशन शी डिडेंट वॉन्ट टू मिस पागल है निधि अपना हेड हिलाते हुए इतनी तेजी से उसके पीछे दौड़ी जितना वो दौड़ सकती थी बिकॉज अब जो मोनिका और उसकी गेम्स टीचर के बीच में बात होने वाली थी कन्वर्जेशन होने वाली थी वो उसको मिस नहीं करना चाहती थी she came to a halt, panting. वो हाफती हुई रुकी panting here means हाफती हुई उसको सांस चढ़ी हुई थी क्योंकि वो भाग के गई थी It looked like Monica had just popped the question because on Miss सीन्स face was a mixture of surprise and amusement. वो जैसे ही हाफती हुई वहाँ पे रुकी उसने देखा कि उसको लगा मोनिका ने अभी क्वेश्चन एकदम से बोल दिया अपने गेम्स टीचर को बिकॉज उनकी गेम्स टीचर मिस सेन के फेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ सरप्राइज और अम्यूजमेंट के मिक्सचर के भाव थे दे अडॉट देयर गेम्स टीचर वो अपने गेम्स टीचर को बहुत प्यार करती थी दोनों बट उनकी गेम्स टीचर के फेस पे सरप्राइज भी था और एक साथ के साथ अम्यूजमेंट भी वो खुश भी थी और सरप्राइज भी थी वेल well, सेट मिस सेन रनिंग हर फिंगर्स थ्रू हर शॉर्ट कर्ली हेयर आई रियली डोंट सी वाई यू कॉन्ट हैव इट तो मिस सेन भी कहती हैं अपने घुघराले बालों में यू कैन सी हेर दिस इज मिस सेन और उनके कर्ली हेयर तो अपने कर्ली हेयर्स में उंगलियां घुमाते हुए कहती हैं कि आई रियली डोंट सी मुझे भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों आप लोगों के पास अपनी एक फुटबॉल टीम नहीं हो सकती ऑफकोर्स मैम इट्स नॉट रिटर्न एनी वेयर दैट देयर इज अ लॉ अगेंस्ट गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल मोनिकाज पॉनीटेल शूक एज शी स्टेटेड हर केस वह मैंटली ऑफकोर्स मैम ये ये ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो गर्ल्स हैं वो प्ले नहीं कर सकती फुटबॉल तो मोनिका की पॉनीटेल जो थी यू कैन सी हर पॉनीटेल हेयर मोनिका की जो पॉनीटेल थी वो एकदम से शूक कर रही थी शूक इन देंस एकदम से हिली जैसे ही वो अपना स्टेट कर रही थी केस वेमेंटली विच मीन्स एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियन स्ट्रोंगली मिस सेन लाफ्ड लाउडली टेल यू वट शी सेड आई आस्क द प्रिंसिपल बट विल हैव टू गेट अ स्पेशल कोच आई एम अफ्रेड आई कांट टीच यू फुटबॉल तो जैसे ही मोनिका ने अपना केस बताया मिस सेन बहुत ही ऊँची हंसी तो वो कहती हैं आई लास्क प्रिंसिपल मैं तुम्हें कहती हूँ कि मैं प्रिंसिपल से बात करूँगी बट विल हैव टू गेट अ स्पेशल कोच बट इसके लिए हमें एक स्पेशल कोच चाहिए होगा आई एम अफ्रेड आई कांट टीच यू फुटबॉल मुझे डर है कि मैं आपको फ़ुटबॉल नहीं सिखा सकती आई कांट वेट टिल द गेम्स पीरियड मोनिका विस्पर्ड टू निधि द नेक्स्ट डे मैं गेम्स पीरियड के लिए वेट नहीं कर सकती मोनिका निधि के कान में फुस फुसाती है अगले दिन अर्निंग अ स्टर्न फ्रॉन फ्रॉम मिस मनी देर मैथ्स टीचर दैट मीन्स मिस मनी उनको तीखी नज़रों से देख रही थी उनके मैथ्स पीरियड में बिकॉज वो बातें कर रही थी मे बी द प्रिंसी लाइक्स द आइडिया और वापस में बातें क्या कर रही हैं कि शायद प्रिंसी को प्रिंसी हेयर मीन्स प्रिंसिपल शायद प्रिंसिपल को आइडिया पसंद आ जाए फुटबॉल टीम बनाने का एट लास्ट द गेम्स क्लास अराइव Even Nidhi had a hard time keeping up with Monica as she sped towards the games field. So, आखर में games period आ ही गया. Even Nidhi had a hard time. Even जैसे Monica का time मुश्किल से pass हो रहा था, Nidhi का भी time same मुश्किल से ही pass हो रहा था. और वो तेजी से दोनों ही games field में भागी गईं. She cornered Miss Sain before she could get too deep into her duties. जाते ही मोनिका ने मिस सेन को कॉर्नर कर लिया साइड पे कर लिया सो so दैट के वो अपने ड्यूटीज़ में बहुत ज़्यादा डीप ना हो जाए मींस बिजी ना हो जाए बट द यंग टीचर शूक हर हेड सैडली बट उस यंग टीचर ने मिस सेन ने बड़े ही दुखी होते हुए अपना सिर नाम में हिलाया आई एम सॉरी मोनिका द प्रिंसिपल सेज़ इट वॉन्ट बी पॉसिबल तो वो सॉरी बोलती है मोनिका को और कहती हैं कि प्रिंसिपल ने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता इट विल मीन प्रिपेयरिंग अ न्यू फील्ड हायरिंग अ कोच एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसका मतलब है कि आपको एक नया फील्ड प्रिपेयर करना पड़ेगा और एक कोच को हायर करना पड़ेगा और बहुत कुछ अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मनी विल हैव टू बी स्पेंट और इस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी लगेगी ऑल्सो शी सेज़ इट्स नॉट रियली अ गेम फॉर गर्ल्स आई एम रियली सॉरी और बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा प्रिंसिपल ने कि फुटबॉल की जो गेम है वो गर्ल्स के लिए नहीं है आई एम रियली सॉरी और वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती हैं मोनिका वाज स्टंड मैम मोनिका बर्स्ट आउट वंस शी हैड रिकवर्ड हर विट्स हैलरेडी हरिंग टूवर्ड्स वन ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट मोनिका हैरान रह चुकी थी शॉक्ड हो चुकी थी और उसने एकदम से कहा मैम जैसे ही वो होश में आई वो एकदम से फटी और उसने बहुत ऊँची से कहा मैम बट मिस सेन उस टाइम पे ऑलरेडी अपने एक बैडमिंटन कोर्ट की तरफ चली गई थी बिकॉज वो ड्यूटी पे थी एंड वेन मोनिका ट्राई टू फॉलो निधि पुल्ड हर बैक और जैसे ही मोनिका ने उसे मोनिका ने उनका पीछा करने की कोशिश की निधि ने उसको वापस खींच लिया फॉर गेट इट शी सेट मिस सेन कान डू एनी थिंग यू नो इट्स द प्रिंसी हुइड्स एवरी थिंग भूल जाइए मोनिका मिस सेन कुछ नहीं कर सकती इसमें ये सिर्फ प्रिंसी ही है जो एवरी थिंग डिसाइड करती हैं अह मोनिका सेट एकदम से जब आप खींच के बोलते हैं दैट इज द वर्ड अ हेयर जर्किंग हर आर्म आउट ऑफ निधि इज होल्ड एंड स्टॉम्पिंग ऑफ इन अ हाफ तो एज हमने ऊपर पढ़ा कि मोनिका ने उसको पकड़ा हुआ था मोनिका पोल्डर बैग तो एकदम से मोनिका ने अपनी आम को ज किया झटके से छुड़ाया निधि से एंड स्टम्पिंग ऑफ इन अ हाफ स्टम्पिंग ऑफ इन अ हाफ मीन्स वॉकिंग अवे एंग्रिली और गुस्से में चली गई बट अ फ्यू मिनट्स लेटर शी वॉज डैशिंग अबाउट द बास्केट बॉल फील्ड लीपिंग एंड टॉजिंग गर्ल्स मैरिली इन टू द बास्केट बट अगर कुछ मिनट बाद हम देखें तो जो मोनिका थी वो बास्केटबॉल ग्राउंड में थी ठीक है बहुत ही खुशी से छलांग लगाते हुए गोल्स टॉस कर रही थी इट डिडेंट मीन शी फॉर गॉटन और गिवन अप इसका मतलब ये नहीं था कि वो भूल चुकी थी जो भी हुआ या उसने गिव अप कर दिया था हार मान ली थी एज निधि डिस्कवर्ड लेटर हमें कैसे पता चला कि उसने हार नहीं मानी थी क्योंकि निधि को बाद में पता चला वेन आफ्टर स्कूल शी एंड मोनिका वेंट फॉर देयर इवनिंग रन इन द पार्क जब उनकी आपस में बात हुई इवनिंग रन के लिए और वो आपस में कैसे मिली दे हैपन टू लिव इन द सेम नेबरुड वो पड़ोस में ही रहती थी एक दूसरे के सो विच मेड इट ईजी फॉर देम टू मीट आफ्टर स्कूल और ये उनके लिए ईजी था स्कूल के बाद भी आपस में मिलना बिकॉज वो पड़ोस में ही थी नॉट अ गेम फॉर गर्ल्स मोनिका इस नॉटेड मोनिका अगेन गुस्से में नॉट कर रही थी बट बढ़ा रही थी कि ये गेम्स गर्ल्स के लिए नहीं है और वो अपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो कर रही है एज यू कैन सी द एक्सक्लेमेशन मार्क मार्खियर नॉट अ गेम फॉर गर्ल्स गर्ल्स कैन प्ले हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल टेनिस बट नॉट फुटबॉल एंड वी आर गिवन सो मैनी लेक्चर्स ऑन द इक्वेलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गर्ल्स हॉकी खेल सकती हैं क्रिकेट खेल सकती हैं वॉलीबॉल टेनिस सब कुछ खेल सकती हैं बट सिर्फ फुटबॉल नहीं खेल सकती और हमें बहुत सारे लेक्चर्स दिए जाते हैं बॉयज और गर्ल्स की इक्वालिटी पे कि लड़कियां और लड़के बराबर हैं बट फिर भी हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है कि बाकी सारी गेम्स गर्ल्स खेल सकती हैं बस फुटबॉल ही नहीं खेल सकती इट डज सीम हॉरिबली अनफेयर निधि सेट बट वट कैन वी डू निधि कहती है कि ये बिल्कुल ही अनुचित है अनफेयर है ऐसा नहीं होना चाहिए ये गलत है बट हम कर भी क्या सकते हैं कोर्स वी कैन डू समथिंग मोनिकाज माउथ सेट वो मोनिका कहती है और पक्के विश्वास के साथ कहती है कि ऑफ कोर्स हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं वॉट निधि ने पूछा प्ले फुटबॉल हम क्या कर सकते हैं फुटबॉल खेल सकते हैं मोनिका ने रिप्लाई किया शी ग्लेयर्ड एट निधि एज इफ डेयरिंग हर टू डिस और मोनिका ये कहते हुए निधि की तरफ ऐसे देखती है कि वो डिसग्री ना कर पाए कि निधि हिम्मत ना कर पाए उसको मना करने की फर्स्ट मोनिका राउंडेड अप अ ग्राउंड ऑफ गर्ल्स इन द कॉलोनी राउंडेड अप मीन्स वो कॉलोनी में गर्ल्स को इकट्ठा करती है देन शी पर देम फिर वो उनको मनाती है दैट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न टू प्ले फुटबॉल पहले वो अपनी एक टीम प्रिपेयर करती है लड़कियों की फिर उनको आगे सीखने के लिए कि सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें फुटबॉल खेलनी आनी चाहिए और वो इसके लिए सबको मना भी लेती है बट हु इज गोइंग टू अस निधि आस्ट पर हमें सिखाएगा कौन निधि ने पूछा एज दे वॉकिंग अवे आफ्टर हैविंग रिक्रूटेड एट द लास्ट मेंबर ऑफ देयर टीम जैसे ही उन्होंने अपनी टीम का लास्ट मेंबर अपनी टीम में भर्ती किया मना लिया फिर निधि उसको क्या पूछती है बट हु इज़ गोइंग टू अस तो हमें सिखाएगा कौन मोनिका थॉट हार्ड वो बहुत सोचती है मोनिका आई नो मुझे पता है शी सेड दोज गाइस यू नो और अनुज एंड द रेस्ट वो लड़के आपको पता है सुमित और अनुज और जो बाकी सारे हैं दे प्ले फुटबॉल रेगुलरली इन पार्क वो लड़के जो हैं सुमित अनुज और उनकी टीम वो डेली पार्क में फुटबॉल खेलते हैं वी कैन आस्क देम टू अस जॉइन देयर गेम हम उनसे पूछ सकते हैं कि वो हमें अपनी गेम में शामिल कर लें यू थिंक देल एग्री निधि आज इनक्रेड्यूलि निधि डिसबिलीविंग वे में निधि को विश्वास नहीं है कि वो मानेंगे और बहुत ही वो बिना विश्वास किए उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो मानेंगे यू नो वर्ट दैट सुमित लाइक तुम्हें पता है कि सुमित कैसा है वी कैन ट्राई मोनिका रिप्लाइड मोनिका क्या कहती है कि हम ट्राई कर सकते हैं and here this is the end of the lesson do you want to play football part 1 so for the next story kindly just keep sharing like the video and subscribe the channel thank you so much for watching the video